यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम संभव पर्व में 97वां अध्याय राजा प्रतीप का गंगा को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करना और शांतनु का जन्म, राज्याभिषेक तथा गंगा से मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय मनस्विनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजर्षि प्रतीप के शाल जैसे विशाल दाहिने उरु पर जा बैठी। उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी। रूप देवांगनाओं के समान था और मुख अत्यंत मनोहर था। अपनी जांघ पर बैठी हुई उस यशस्विनी नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम्हारी क्या इच्छा है? स्त्री बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूं। आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर अपने पास आई हुई स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुषों ने निंदित माना है। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। जो अपने वर्ण की ना हो उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता। कल्याणी, यह मेरा धर्मानुकूल व्रत है। स्त्री बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूं, समागम के अयोग्य भी नहीं हूं और ऐसी भी नहीं हूं कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगाए। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हुई दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूं, अतः आप मुझे स्वीकार करें। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा ही हो गया। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं तो धर्म का यह विनाश मेरा भी नाश कर डालेगा। वरांगने, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो। भीरू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र, पुत्री तथा पुत्रवधू का आसन है। पुरुष की बाई जांघ ही कामिनी के उपभोग के योग्य है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है। अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूंगा। सुश्रोणी, तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूं, क्योंकि वामुरु, तुमने यहां आकर मेरी उसी जांघ का आश्रय लिया है जो पुत्र वधू के पक्ष की है। स्त्री बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सब के आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती। आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्मज्ञ, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। प्रभो, मैं जो कुछ भी आचरण करूं वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। वे उसके विषय में कभी कुछ विचार न करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा प्रतीप ने तथास्तु कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह वहीं अंतर्धान हो गई।
इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात याद रखी। गुरुनंदन, इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। प्रतीप की पत्नी की कुक्षी में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदनंतर दसवां मास प्राप्त होने पर प्रतीप की महारानी ने एक देवोपम पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राज दंपत्ति के यहाँ राजा महाभिषी पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। शांत पिता की संतान होने से वे शांतनु कहलाए। शक्तिशाली राजा प्रतीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य करवाए। ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं द्वारा उसके जात कर्म आदि संपन्न किए। जन्मेजय, तदनंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधियों के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी किया। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन में भी ऊंची स्थिति प्राप्त की। वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वे राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए। अपने सत्कर्मों द्वारा उपार्जित अक्षय पुण्य लोकों का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया, शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था। बेटा, यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आए, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से सुशोभित उस दिव्य नारी से अंगने, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो इत्यादि प्रश्न न करना। अनग, वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश किया। बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। महाराज जनमेजय, एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी, जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। उसके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे। दांत तो और भी सुंदर थे। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर पर महीन साड़ी शोभा पा रही थी और कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। वह अकेली थी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए से तृप्त नहीं होते थे। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। स्नेहवश उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो आया। वह विलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी। तब राजा शांतनु उसे सांत्वना देते हुए मधुरवाणी में बोले, सुमध्य में तुम देवी, दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नागकन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों ना हो, देवकन्या के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूं कि मेरी पत्नी हो जाओ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शांतनुपाख्यान विषयक 97वां अध्याय पूरा हुआ। 98वां अध्याय शांतनु और गंगा का कुछ शर्तों के साथ संबंध, वसुओं का जन्म और शाप से उद्धार तथा भीष्म की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आई
तट पर विचरते हुए उन निरपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई। तब यही उपयुक्त समय है ऐसा मानकर वसुओं को मिले हुए शाप से प्रेरित हो वे स्वयं संतानोत्पादन की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आई और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली, राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए। पृथ्वीपते, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। भरत श्रेष्ठ, उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली तब उन निरपश्रेष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला। तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी को चले गए। साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गई। इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर उसका इच्छानुसार उपभोग करने लगे। पिता का यह आदेश था कि उससे कुछ पूछना मत, अतः उनकी आज्ञा मानकर राजा ने उससे कोई बात नहीं पूछी। उसके उत्तमशील स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता, सद्गुण तथा एकांत सेवा से महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट रहते थे। त्रिपथ गामिनी दिव्य रूपिणी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी निरप शिरोमणि महाराज शांतनु को, जिन्हें भाग्य से इच्छानुसार सुख अपने आप मिल रहा था, सुंदरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। गंगा देवी हाव भाव से युक्त संभोग चातुरी और प्रणय चातुरी से राजा को जैसे जैसे रमाती उसी उसी प्रकार वे उनके साथ रमण करते थे। उस दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने उनके चित्त को चुरा लिया था, अतः वे राजा उसके साथ रति भोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष, ऋतु और मास व्यतीत हो गए किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजा को कुछ पता न चला। उसके साथ इच्छानुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। भारत, जो जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूं। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबो देती थी। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते थे। राजा को यह डर बना हुआ था कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाए। तदनंतर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तब हंसती हुई सी अपनी स्त्री से राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुकातुर होकर कहा, अरे इस बालक का वध न कर, तू किसकी कन्या है, कौन है, क्यों अपने ही बेटों को मार डालती है। पुत्र घातिनी, तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। स्त्री बोली, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहां मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया, जैसी कि पहली ही शर्त हो चुकी है। मैं जनियों की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हैं। वसु देवताओं की यह शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए अब वे वसु महात्मा आपाओ के शाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊंगी।
तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यह बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा। यह बालक वसुओं में से प्रत्येक के एक एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे, इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगादत्त रखना। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्मोत्पत्ति विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ। 99वां अध्याय महर्षि वशिष्ठ द्वारा वसुओं को शाप प्राप्त होने की कथा। शांतनु ने पूछा, देवी ये आपव नाम के महात्मा कौन है और वसुओं का क्या अपराध था जिससे आपव के शाप से उन सबको मनुष्य योनि में आना पड़ा, और तुम्हारे दिए हुए इस पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण यह मनुष्य लोक में निवास करेगा। जाह्नवी, वसु तो समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, वे कैसे मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए यह सब बात मुझे बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, जन्मेजय, अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर जहनु पुत्री गंगा देवी ने उनसे इस प्रकार कहा। गंगा बोली, भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ नामक मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। भरतवंश शिरोमणि, उस वन में स्वादिष्ट फल मूल और जल की सुविधा थी। पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करते थे। महाराज, दक्ष प्रजापति की पुत्री ने जो देवी सुरभि नाम से विख्यात है, कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने वालों में श्रेष्ठ थी। वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपनी होमधेनु के रूप में प्राप्त किया। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणीय तापस वन में रहती हुई सब ओर निर्भय होकर चरती थी। भरत श्रेष्ठ, एक दिन उस देवऋषि सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में रमण करने लगे। इंद्र के समान पराक्रमी महिपाल उन वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते समय उस गौ को देखा। राजेंद्र, संपूर्ण कामनाओं को देने वालों में उत्तम नंदिनी नाम वाली उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वसुपत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले महाराज, उस देवी ने देव नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई जो भलीभांति हृष्ट पुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन बड़े सुंदर थे, पूंछ और खुर भी बहुत अच्छे थे। वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपन्न और सर्वोत्तम शील स्वभाव से युक्त थी। पूर्ववंश का आनंद बढ़ाने वाले सम्राट, इस प्रकार पूर्व काल में वसु का आनंद बढ़ाने वाली देवी ने अपने पति वसु को ऐसे सद्गुणों वाली गौ का दर्शन कराया। गजराज के समान पराक्रमी महाराज द्यो ने उस गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, यह कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है। वरारोहे, यह उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है जिनका यह उत्तम तपोवन है। सुमध्य में जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी। नृपश्रेष्ठ, सुंदर कटी प्रदेश और निर्दोष अंगों वाली वह देवी यह बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है, उसका नाम है जितवती। वह सुंदर रूप और युवावस्था से सुशोभित है। सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान राजऋषि उशीनर की पुत्री है। रूप संपत्ति की दृष्टि से मनुष्य लोक में उसकी बड़ी ख्याति है। महाभाग,
उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। सुरश्रेष्ठ, आप पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, इस गाय को शीघ्र ले आइए। मानद, जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्य लोक में अकेली ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। महाभाग, आप निंदा रहित हैं, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मेरे लिए किसी तरह भी इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है। उस देवी का यह वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से देव नामक वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। राजन, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर देव ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर वे दृष्टिपात नहीं कर सके और न यही सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। कुछ समय के बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी फल मूल लेकर आश्रम पर आए, परंतु उस सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी। तब तपोधन वशिष्ठ जी उस वन में गाय की खोज करने लगे, परंतु खोजने पर भी वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को न पा सके। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और यह जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध के वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को शाप दे दिया। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसलिए वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। भरतर्षभ, इस प्रकार मुनिवर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को शाप दिया। उन्हें शाप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगाया। राजन, तपस्या के धनी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन आठों वसुओं को शाप दे दिया। तदनंतर हमें शाप मिला है, यह जानकर वे वसु पुनः महामना वशिष्ठ के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। नृपश्रेष्ठ, महर्षि आपव समस्त धर्मों के ज्ञान में निपुण थे। महाराज, उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु उन मुनि श्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद न पा सके। उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने धर आदि तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया है, परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सबके सब शाप से मुक्त हो जाओगे, किंतु वह देव जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार दीर्घ काल तक निवास करेगा। मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे असत्य करना नहीं चाहता। ये महामना देव मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण विद्वान होंगे। पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे। उन सब वसुओं से ऐसी बात कहकर वे महर्षि वहां से चल दिए। तब वे सब वसु एकत्र होकर मेरे पास आए। राजन, उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उसे पूर्ण किया। उनकी याचना इस प्रकार थी, गंगे, हम ज्यों ज्यों जन्म लें तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना। राज शिरोमणि, इस प्रकार उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया है। भारत निरपश्रेष्ठ, यह एकमात्र द्यो ही महर्षि के शाप से दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। राजन, मेरा यह पुत्र देवव्रत और गंगादत्त दो नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाएगा और आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ ले वहीं अंतर्धान हो गईं और अपने अभीष्ट स्थान को चली गईं। उस बालक का नाम हुआ देवव्रत, कुछ लोग गांगेय भी कहते थे। द्यु नाम वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुणों में उनसे भी बढ़ गए। इधर शांतनु शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गए। शांतनु के उत्तम गुणों का मैं आगे चलकर वर्णन करूंगा। उन भरतवंशी महात्मा नरेश के महान सौभाग्य का भी मैं वर्णन करूंगा, जिनका उज्ज्वल इतिहास
महाभारत नाम से विख्यात है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आपवोक पाख्यान विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।